वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चंगेजी। तो आपको मैं बताती हूँ, यह मैंने ली हूँ 1.25 किलो मुर्गी, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और यह मैंने 4 चम्मच तेल रखी हूँ और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। 4-5 काली मिरी है, 3 लौंग है, 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता। तो मैं इसको ये डालूँगी, इसमें थोड़ा एक कड़कड़ाहट करेगा, थोड़ा पक जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 3 कांदा ली थी और वो डालूंगी। आपको अगर ज़्यादा थी, आपका परिवार ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालिएगा, मैं इतना ही डाली हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने डाली हूँ 2 चम्मच दही और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच बारीक वो मैंने जीरा पाउडर ली हूँ और 1/2 चम्मच हल्दी ली हूँ और थोड़ा सा नमक ली। तब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँ जब तक अपना कांदा फ्राई होने तक। तो देखो, हल्दी, मिर्ची की बुक्की और जीरा पाउडर और दही डाल के मैंने इसको मैरिनेट करी हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ काजू बादाम ली हूँ, तो कांदा लाल हो रहा है उसी में मैं डाल दूँगी। अभी मैं ये तेल जो था उसके अंदर कांदा फ्राई करके निकाली, जो अभी दिखाई हूँ, काजू है, गरम मसाला और कांदा, वो अभी पीसूँगी। और यही जो इसके साथ में ये चिकन डालूँगी। देखो, ये चिकन मेरा हो गया है, तेल भी रिलीज हो गया है। अब मैं ये जो मसाला है, कांदा और बादाम और ये पीसी थी जो भी काजू है, गरम मसाला, सब मैं ये डाल रही हूँ अभी। तो अब इसके साथ हम इसको भी पकाएंगे। देखो, जो भी है और वो जो दही और मुर्गी ने पानी को उसी में मैंने भुनी हूँ और अभी ये मसाला डाली हूँ। अभी मैं टमाटर डाल रही हूँ। देखो, टमाटर भी मैंने पीस के ली हूँ, 3 टमाटर डाल रही हूँ मैं। आपको चाहिए, आपका परिवार ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लीजिएगा, मेरा परिवार छोटा है तो मैं कम लेंगे। मैं अभी मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने पहले नहीं डाली थी। और इसके अंदर डालूंगी, क्या डालूंगी मैं बताओ, धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूंगी, जो मैंने नहीं डाली थी पहला। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने पीस के रखे थे उसके अंदर। देखो, ये मैं इतना सही डालूंगी। और इसके अंदर आप मिर्ची पाउडर चाहिए तो डालिएगा, मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, तो ये मैं डालूँगी 1 चम्मच के अंदर डालूँगी। देखो, है ना, तो ये मैं अभी इसको सबको लगातार भूनूंगी, फिर आपको बताऊँगी मैं। अब मैं इसमें थोड़ा क्रीम डालूँगी, जो मेरे यहाँ बचा है वही क्रीम डाल रही हूँ मैं। आपके अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालिएगा। देखो, इस तरह मेरा सालन हुआ है। अब ये अच्छा उबलेगा तब मैं बुझाऊँगी। मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाली हूँ, तो आप भी डालिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर मुझे लाइक करिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप ज़रूर ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आपकी बहुत ज़रूर मिलती हूँ आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हैंड नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मेरा सालन उबल गया और मुकम्मल हो गया है। तो मिलती हूँ आपको फिर से नई रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।